अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी बात कह रही हो। अरे पति पत्नी में जिन सब होत रहा था, लड़ाई झगड़ा नोक छोक, बात बत कही और ना जाने का का, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कुछ कम। पर इसका जे मतलब नहीं है कि तुम बच्चा ही पैदा ना करो। जे बेकार की बात है, बच्चा गिराने वाली बात मत सोचो। बात सिर्फ झगड़े की नहीं है दादी, तो और क्या बात है उर्मी? जे सब क्या खेल मजाक है तुम्हारे लिए? अरे भगवान की मेहरबानी है जे, इसकी बेकदरी मत करो तुम। और जिसके लिए तुम मना कर रही हो ना, उसके लिए लोग तरसते हैं। हम आपके दुख को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बाबू। हम ये सब इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ऐसे हालात में, ऐसे मानसिक स्थिति में हम बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते भाभी। क्योंकि बच्चे को जन्म देने से ज्यादा जरूरी है उसे एक स्वस्थ माहौल देना, अच्छी परवरिश देना। ऐसे हालात में हमारे अपने भविष्य का ही कोई अंदाजा नहीं है हमें, तो हम उस बच्चे की परवरिश क्या करेंगे? भाभी, हम उस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाने के लिए तैयार हो जाए, जबकि जिसके साथ जिंदगी बिताने गए थे वो हमारे प्रति जरा भी जिम्मेदार नहीं है। तुम कहा कह रही हो उर्मी? बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी। जब हमारा अपना खुद का कोई ठिकाना नहीं है तो हम बच्चे की कमिटमेंट कैसे कर सकते हैं? आज तक तो हम भी इसी उम्मीद में थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सम्राट जी बदल जाएंगे, लेकिन अब गलत थे मम्मी, सब कुछ बिगड़ता चला गया हमारे साथ। हटो, तमीज नाम की चीज नहीं है जो जानवरों जैसी हरकत कर रही है। इस अंजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए आप हमें। रूम में थी ना आप, कोई सड़क पे तो नहीं छोड़ के गया था आपको पागल कुत्तों के बीच? फोन अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे कसीनो में, जानती हैं आप? झूठ बोला था आपने, फोन अलाउड होता है सम्राट जी, गोवा के हर कसीनो में फोन अलाउड होता है। सुनिए, हम 5 मिनट के लिए मिला है क्या, फिर चले जाएंगे वो लोग। अब एक ही शहर में शादी हुई है इसका ये मतलब नहीं कि जब मन किया चले आए। कन्यादान हो गया आपका, दे दिया उन्होंने आपको हमें हमेशा के दान में। अब कोई लेना देना नहीं उनका आपसे, कोई हक नहीं उनका आप पे। दो कौड़ी की औकात नहीं आपकी, बीवी के बन गई जबान लड़ाएंगी मुझसे? माँ बाप के साथ रहना था भाई रहती, शादी करने की क्या जरूरत थी? नजर भी मत आना इस कमरे के आसपास मुझे। त्रिशा के बाहर रहते हुए आपने वहां जाने के बारे में सोचा भी कैसे? जब तक वो लड़की उस घर में बाहर नहीं जाएंगी। फाइनल सम्राट जी, अभी प्लीज जाने दीजिए ना। चाहिए, लेकिन अगर गई तो लौट के वापस मेरे पास मत आना, हमेशा हमेशा अगले भाई रहना, हमेशा हमेशा अगले भाई रहना। कल को कुछ हमारे साथ हुआ तो आपको रिश्ता तोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। देखिए, एक बात तो तय है कि मैं नहीं बदलने वाला। राज्य को इतनी अच्छी तरीके से जानने के बाद हम किस लिए इस बच्चे को जन्मे? अपनी तरह एक अंधकार में भविष्य देने के लिए? इसलिए फिलहाल के लिए हम अबॉर्शन जाते हैं बस। जी का कह रही हो? ठीक कह रहे हैं दादी, ज्यादा पढ़ लिख गई है तो कहा हमें सिखाएगी? प्यार सपने जैसा नहीं होता है, प्यार पति पत्नी में ऐसा ही होता है। सम्राट जी हमें अपनी पत्नी नहीं मानते हैं दादी। झुमकी और मुक्ति की तरह नौकर समझते हैं हमें। नौकर नंबर तीन, नौकर नंबर तीन। आ,
तुम अति कर रही हो उर्मी। सच्चाई बता रहे भाभी, जो आज तक तुम लोगों को नहीं बताया सच बता रहे। बेटा उर्मी, बच्चा पति पत्नी के बीच में पुल का काम करत है। कभी कभी पति अपनी पत्नियन का बच्चा होए के बाद प्यार शुरू करत है। पुल तोड़े का काम ना करो। देखो एक दिन सम्राट यही के सहारे आए के तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। देखो बेटा, तुम्हारे तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन बेटा, बच्चा गिराना हमको भी ठीक नहीं लग रहा। का पता शायद ये बच्चा तुम्हारे और सम्राट के बीच पुल बन जाए। पुल वहां बनता है मम्मी, जहां विश्वास की नदी बहती है। सम्राट जी इन सब बातों को नहीं समझ सकते मम्मी। आज तक उन्होंने हमें ये एहसास नहीं दिलाया कि वो हमारे पति हैं। और अगर उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगे ना मम्मी, तो अपनी पत्नी को सजा देके खुश होते हैं वो। ऐसे इंसान है सम्राट जी, तो उनसे क्या उम्मीद करती हो कि वो क्या समझेंगे? बच्चा क्या पुल है, क्या विश्वास है, क्या आधार है, क्या गारंटी है मम्मी कि वो अपने बच्चे को सजा नहीं देंगे? नहीं मम्मी, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते मम्मी। जी कैसी बातें कर रही हो बेटा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। सम्राट जी वो इंसान है जो हर पुल को तोड़ सकते हैं, जो उनके घमंड, उनके जिद, उनके अहम के आड़े आता हो। बहन को छोड़ा, दोस्त को छोड़ा, हमें त्रिशा को छोड़ने के लिए कहा। नहीं मम्मी, मम्मी वो कोई पुल पार करके नहीं आएंगे हमारा सम्मान, हमारा प्यार देने। मम्मी हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सम्राट जी के जातियों का शिकार बने। ये तय है मम्मी कि सम्राट जी कभी सुधर नहीं सकते, किसी के बोले बदल नहीं सकते वो। बच्चे की बात और हुए है उर्मी। हो सकता है भगवान ने इसीलिए बच्चे को भेजा हो कि एक दिन सम्राट को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो तुम्हें प्यार करने लगे। हमारी बात मान ले, बच्चे को इस दुनिया में आने दे, देख लेना सम्राट बदल जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर बढ़ाओ है प्यार, समझे नहीं समझे? जी सर। तभी ओके सर। बोलो रश्मि। बोलने बताने का वक्त क्या सम्राट? अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या हुआ है, क्या आगे बढ़ गई है बात? तुम्हारा समय बदल रहा है सम्राट। मेरे दिमाग में फिराओ रश्मि, साफ साफ बोलो क्या बात है। बात यह है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है।
अब जल्द से जल्द 10 किलो मोती चूर के लड्डू, 5 किलो बर्फी और 70 समोसे तो हमारे घर पे भिजवा ही दो तुम। क्या पागल पागल तो नहीं होगी तुम? हाँ क्या बोली जा रही हो, भांग भांग खा लिया क्या, दिमाग फिर गया? दिमाग फिरे हमारे दुश्मनों का, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। क्या हक भाई, कैसा हक, क्या चल क्या रहा है? खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि तुम पापा बनने वाले हो। मुझे पता था आप जरूर आओगी। क्या कॉन्फिडेंस है? हाँ मेरे दिल ने बोला था। तुम्हारा दिल क्या कोई मुर्गा है जो बांग देता है? ऐसा ही समझ लो। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? सोचा अगर आपके हॉस्टल के बाहर मरा पाया जाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बदनाम हो जाएंगी आप, बस इसीलिए सोचा कि ऐसी नौबत ही क्यों आने दूं, इसलिए यहां बुलाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डर गई ना, सिर्फ मेरे मरने के ख्याल से होता है। वैसे डोंट वरी, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो आपका क्या होगा? ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अब जल्दी से बता दो कि क्यों बुलाया मुझे यहां पे, क्योंकि फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। बताता हूं, ये क्या कर रहे हो? कपड़े उतार रहा हूं। सिर फिरे से पाला पड़ गया है मेरा, इसलिए बुलाया था तुमने मुझे यहाँ पे? एक कप कॉफी क्या पी ली तुम्हारे साथ, तुम यहां तक बढ़ गए? ये क्या कर रहे हो पापा? अब कहाँ बताएं बेटा, कुछ याद नहीं आ रहा, आज बीपी की दवा ली है या नहीं, इसलिए दवा गिन रहा हूँ। हाँ हाँ गिनने से बड़ा पता चल जाएगा ना। हमारी तो सुनते ही नहीं है जी, करते हैं अपने वाले, आधा घंटे से हिसाब लगा रहे हैं गोलियों का। हम तो थक गए हैं अब इनसे। माँ जी आप पापा को ऐसे मत कहिए, पापा को गिनती आती है, गिनती पहाड़े जितनी कठिन थोड़ी होती है, क्यों पापा? Alert, everybody, alert! सबके सब हरकत में आ जाइए, उठिए सबके सब, चलिए उठिए उठिए उठिए। पापा कभी तो एक बार में बात मान जाए करो मेरी, उठिए। क्या हुआ इतना चिल्ला कर रहे हो? मौका ही ऐसा है मेरी माँ, मौका ही ऐसा है, जश्न की तैयारी कीजिए, नाच गाना धमाल जितना कुछ होता है खुशी के माहौल में सब जमा दीजिए, ऐसा जश्न होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। लेकिन इस खुशी में सम्राट बात का है, तुम्हारे जश्न का कारण का है। आप लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं? मेरी बीवी उर्मी माँ बनने वाली, मैं पापा बनने वाला हूँ। पापा सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ माँ, सच एकदम सच। सच्ची भैया ये तो बहुत अच्छी खबर है, बताइयो। आप तक आप तक। अरे भैया इतनी बड़ी खुशखबरी है तो आपको तो मिठाई लेकर आना चाहिए था। अरे घर में बड़ी मिठाई, जल्दी फटाफट लेके आओ, जल्दी जाओ। पर देवर जी आपको कैसे पता चला? आप आम खाइए ना भाभी, गुठलियां क्यों गिन रही हैं?
और आपकी माँ बनने की खबर किधर अखबारों में नहीं आई है? अरे कहीं से पता लगा इसलिए बता रहा हूँ, सनसनी बनाने का शौक नहीं है मुझे। हाँ हाँ हम सब समझ गए, अब इतना काहे सुना रहे हो हमें? मैं बुरा क्यों मान रही है, खुशखबरी है। अरे बेटा ऐसी खुशखबरी है, तुम्हें वहां जाना चाहिए ना बहू के पास। हाँ। अरे मैं क्यों जाऊंगा पापा, सामान भिजवा दिया मैंने वहां नजराने के तौर पे। अब तो मम्मी खुद आएगी मन मार के या डर के। मैडम को आना पड़ेगा अब, उसके पेट में जो मेरा बच्चा उसे खींच के लाएगा। सही कह रहे हो बेटा तुम। टाइमिंग देखिए अम्मा, टाइमिंग देखिए, कमाल की टाइमिंग है भाई, गॉड मैं भी मान गया यार। टाइमिंग? इससे एक बात साबित होती है अम्मा कि भगवान हमेशा सही का साथ देता है। बहुत चूचू करी थी, मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं आऊंगी, अब आना पड़ेगा ना, दे दिया ना भगवान ने, भाग भाग के आएगी। आप लोग एक काम कीजिए, आप मिठाई खाइए एंजॉय कीजिए, फटाफट फ्रेश होकर आता हूँ और कल की पार्टी की प्लानिंग करते हैं। हाँ ठीक है चलिए। साला मैं तो बाप बन गया, साला मैं तो बाप बन गया। देखो सचिन अभी भी इसे अपने बाप बनने की खुशी नहीं है, बल्कि भगवान की टाइमिंग और अपने जीत का जश्न मनाने की खुशी में इतने अक्षर खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको तो खुशी है ना उसके बाप बनने की, जे काफी है। हाँ शशि कभी एक औरत बनकर अपनी बहू के बारे में भी सोच लिया करो, कहा सोच रही होगी वो इस वक्त ऐसी हालत में। हमने अच्छी तरीके से सोच लिया है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए ये बात हमारे ससुराल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बेटा एक बार फिर से सोच लो, अबॉर्शन कराना बहुत बड़ा फैसला होता है। कहीं गुस्से में और जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं मम्मी, बहुत सोच समझ कर ये कह रहे हैं हम। अब जे का बात हुई उर्मी, बच्चा केवल तुम्हारा थोड़ी ना है, सम्राट का भी तो है। जब हम ही सम्राट जी के साथ नहीं है तो इस बात का तर्क वहीं खत्म हो जाता है भाभी। ये फैसला लेने का हक सिर्फ हमारा है, क्योंकि इस बच्चे की जिम्मेदारी सबसे पहले हम पर होगी। भैया अब अरे ये सब क्या है और आप लोग कौन है? ये शगुन का सामान है, सम्राट जी ने भिजवाया है। इसका मतलब सम्राट जी को सब पता चल गया है। किसने बताया होगा उन्हें? हम में से तो किसी ने कछु नहीं बताया किसी को। तुमने बोला सम्राट को? हाँ हमने बताया। बाप होने के नाते उसे सब कुछ पता होना चाहिए, उसका हक है जय।
बुआ जी, उपा जी, हमारा नेक सोच लीजिएगा और देखिएगा, उर्मी पोते को ही जन्म देगी। हाँ हाँ, यही तमन्ना हमारे लोगों की भी है, वरना आप लोगों ने तो बताया भी नहीं था, लेकिन खबर मिलते ही हम लोग आ गए। समधन जी, हम आपको फोन करने ही वाले थे। कोई बात नहीं, हम तक तो खुशखबरी पहुंच गई ना। बस पहला हक सम्राट का था तो उसे तो खबर मिली गई। हाँ अब दादा दादी तो बाद में ही आते हैं ना। जे काहे कह रही हो, मूल होएगा तभी तो सूद आवेगा। एक बात कहे अम्मा जी, सबसे ज्यादा खुशी ना हमें ही हुई है। ये कोई कहने की बात है? अजय, खुशखबरी मिलते ही सम्राट ने बहुत बड़ा जश्न रखा है। अरे वाह,